अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मरियम से रेसिपी। रिसेंटली मैंने अपनी मसाला कलेजी की रेसिपी अपलोड की थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आपने कलेजी को वॉश कैसे किया है, हमें पसंद तो है लेकिन इसमें से स्मेल नहीं ख़त्म होती, आप हमें कोई वीडियो अपलोड करके इसका मेथड बता दें कि कैसे वॉश करते हैं। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, इसके लिए तीन मेथड्स हैं, तो आज मैं आपको तीनों मेथड्स बताऊँगी कि आप कैसे इसको वॉश कर सकते हैं, इसकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कलेजी लिया तकरीबन मैंने 1.5 किलो, और लेमन जूस लिया है और गार्लिक लिया है जिसको मैंने उसके छिलकों के साथ ही फाइन चॉप कर लिया है, और मिल्क लिया है। इन तीनों मेथड के ज़रिए मैं आपको वॉश करने का तरीका बताऊंगी, आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम वॉश करेंगे इसको गार्लिक के साथ। एक बाउल लूँगी, उसमें पहले मैं थोड़ी सी कलेजी ऐड करूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गार्लिक। गार्लिक के आपने छिलके नहीं उतारने, इसको छिलकों के साथ ही फाइन चॉप आपने करना है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। और अब मैं इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी कि सारी कलेजी को लहसुन अच्छे से लग जाए। अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं वॉश करूंगी। 15 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने दो बाउल में पानी लिया है, पहले मैं इसको एक बाउल में डालूंगी और अच्छे से वॉश करूंगी। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लेना है। ऑलमोस्ट ये अच्छे से वॉश हो चुका है, अब मैं इसको निकाल के दूसरे बाउल में डाल दूंगी। ये बिल्कुल अच्छे से वॉश हो चुका है, इसमें से ब्लड नहीं निकल रहा, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं इसको साफ बाउल में निकाल लूँगी। आप देखिए कलेजी बिल्कुल साफ हो चुकी है, इसके अंदर ज़रा भी ब्लड नहीं है और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको सेकंड मेथड के साथ वॉश करेंगे, वो है लेमन जूस। ये भी पहले मेथड की तरह सेम एज इट इज है। थोड़ी सी कलेजी लूंगी, उसके अंदर ऐड करूंगी लेमन जूस। और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी कि सारी कलेजी को लेमन जूस अच्छे से लग जाए। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, इसको भी मैं पहले मेथड की तरह जैसे मैंने गार्लिक वाले को वॉश किया था इसी तरह वॉश करूंगी। ये बिल्कुल अच्छे से वॉश हो चुका है, अब मैं इसको दूसरे बाउल में डाल दूंगी। लेमन जूस वाला मेरा फेवरेट है, और मैं जब भी कलेजी वॉश करती हूँ तो मैं लेमन जूस के साथ ही करती हूँ। आप लोगों को जो पसंद हो आप उस मेथड के साथ कर सकते हैं। इसका ब्लड बिल्कुल नहीं निकल रहा, ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब मैं इसको एक क्लीन बाउल में निकाल लूँगी।
देखिए कलेजी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं है और स्मेल भी इसकी गायब हो चुकी है। अब मैं इसको वॉश करूँगी थर्ड मेथड यानी मिल्क के साथ। ये जो कलेजी बाकी रह गई है अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं हाफ कप मिल्क। और इसके साथ ऐड कर दूंगी वाटर। और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। ये मिक्स हो चुका है, इसको भी 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, अब इसको भी जैसे मैंने पहले दोनों कलेजियों को वॉश किया था ऐसे ही वॉश करूंगी। ये भी वॉश हो चुकी है और इसमें भी ज़रा सा ब्लड नहीं है, बिल्कुल अच्छे से वॉश हो गया और इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।